असं आहे की अध्यात्म हा जो शब्द आहे, आपण शब्द ऐकलेला आहे, आपने भी सुना होगा ना, अध्यात्म शब्द हिंदी में भी है प्रचलन मेरे ख्याल से, तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? बूढ़े लोगों के साथ जुड़ा है, मतलब जो बूढ़े हो चुके हैं वो लोग अध्यात्म की बात करते हैं, ऐसा माना है। लेकिन आध्यात्मिक सवाल, जिसको आध्यात्मिक सवाल कहते हैं, वो सवाल क्या है? सबसे बुनियादी आध्यात्मिक सवाल ये है, जो वेदों में से उपनिषद भी उसको मानते चलते हैं, वो सबसे आध्यात्मिक सवाल ये है कि मैं कौन हूँ। दिस इज द बेसिक मेटाफिजिकल क्वेश्चन, हु एम आई, व्हाट एम आई बॉर्न फॉर। अभी सोचिए कि ये सवाल किसके मन में पैदा होता है? आपके मन में पैदा होता है। 20 साल का जो आदमी है उसके मन में यह सवाल आता है कि हु एम आई, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जन्म किस चीज के लिए हुआ है, मैंने क्या काम करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, कौन सा ऑक्यूपेशन लेना चाहिए, किसके साथ शादी करना चाहिए। ये सब जो सवाल है वो तरुणों के मन में आते हैं, बूढ़ों के मन में कैसे आएंगे ये सवाल? बूढ़ा तो पूरा अपना जीवन व्यतीत कर चुका है, उसके सामने कोई ये सवाल नहीं। तो जयप्रकाश जी ने ये कहा कि जिसको आप अध्यात्म कहते हो वो तरुणों के साथ जुड़ी हुई चीज है, वो बूढ़ों की बृहस नहीं है, बूढ़ों की चर्चे का विषय ही नहीं है। इसीलिए जिन तरुणों को सामने ये सवाल है उनका हल करना चाहिए, उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उनको मदद करनी चाहिए। तो इसलिए उस सवाल का जवाब हम लोग ढूंढेंगे, उनके साथ बैठकर ढूंढेंगे और उनको मदद करेंगे कि सवाल का जवाब ढूंढो। इफ यू नो हु यू आर देन यू विल वर्क अकॉर्डिंगली। पॉइंट यू आर मेंशनिंग दैट सो कॉल्ड आध्यात्मिक क्वेश्चंस आर एक्चुअली क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू और क्वेश्चंस व्हिच आर प्लेगिंग द यूथ। तो तरुणों के सवाल आध्यात्मिक सवाल है।